हम सबके ये कहें कि कितना भी कहीं मॉडर्न हो लेकिन पूजा सबसे पहले है और पूजा सबको करना चाहिए। जितना भी लोग आ जाए, मात्रा के कोनो मात्रा सीमित नहीं है, जितना भी लोग आई चाहे 2,000 आए 4,000 आए, सबका के हमने के बैठा के पूरी सब्जी हलवा खिलाई ले सन और सब आदमी प्रसन्न होकर जाला। पूरा गांव के लोग आई आके श्रद्धा से बैठ के खाला, ई ना के हुआ के परेशान होके आओ ताकि तनि हमरो के दे दी, उस श्रद्धा से आई आई अपन बैठी खाई अपना घर जाई। MCOM, BSc और MA, MCOM करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स के टीम अभी पहुंचल भी है राजपुर में, जो उनकी सिवान जिला के दक्षिण में अवस्थित बटे। और ये देख ली 1965 से यहाँ पर नवरात्र के पूजा होला, ई भव्य पंडाल बनेला और भव्य माई के मूर्ति बा। देख ली पंडाल के खूबसूरती पहले देख ली, रात में आए तो जब लाइटिंग बवे और ज़बरदस्त लाइटिंग में ये और खूबसूरत देखे के मिली, बहुत ही सुंदर और मनमोहक देखे के मिली। आगे बढ़ के रुक दिखाए तनी पंडाल में, देखी माई के मूर्ति बनल बा जिनकी एकदम खूबसूरत यहाँ पर पूजा हो रहा बा। चूँकि अभी दोपहर के समय बा, ऐसे पूजा के वक्त नहीं खे, शाम के फिर पंडित जी आए पूजा कराए पाठ करें। देख ली कितना सुंदर हमें पंडाल के अंदर सजावट बटे और मूर्ति भी कितना भव्य बनल बटे, विशाल बनल बटे, और ये 1965 से एजा मूर्ति बनेला। रुआ साफ देख सकते नहीं कि 1965 से यहाँ मूर्ति के निर्माण होला, पूजा होला और पूजा काफ़ी भव्य होला, जौना में सहयोग एजा आसपास के लोग के, गांव के लोग के, क्षेत्र के लोग के, बाहर के लोग के भी सहयोग रहला, लोग एजा सहयोग करेला, ये पूजा में सम्मिलित होला, शरीक होला। सबसे एगो यूनिक चीज़ हमारा देखे के मिलल हो कि यहाँ देखी CCTV कैमरा लगल बटे जौन की लाइव चल रहा बटे और कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी लोग एकरा के देख सकता। एजा QR कोड लगावल गेल बा कि जैसे रुआ QR कोड से ऐप इंस्टॉल कर ली और देख ली, या केहू भी अगर मान ली कि बाहर में बटे, दूर दराज बटे, कहीं दूसरा शहर में या विदेश में बैठल बटे, तो उकरा खातिर भी लगावल गेल बटे कि वो कहीं भी केहू रह के ई QR कोड पर लगे से हम रुआ के दिखा देवे चाहतनी, ताकि अभी भी जे देख रहा बा अभी ले देखले ना हुई ओकरा खातिर बटे ई QR कोड बा। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करे के बा GCMOB ऐप जोन बटे ओकरा के डाउनलोड कर ले के बा, यूज़र नेम राजपुर बा और पासवर्ड बटे 6x8@123, माने 6x8@123, ये पासवर्ड बटे पर जाके रहुआ हम स्क्रीन पर भी लिख के रहुआ के दिखा दें कि ये सुविधा बटे और एकरा तहत रुआ कहीं भी दुनिया के कोनो कोना में होकर वह ऐप इंस्टॉल करके और माता के दर्शन कर सकतनी, पूजा में शरीक हो सकतनी, आरती के समय में आरती में शरीक हो सकतनी और ये भव्य नज़ारा यहाँ पर देख सकतनी। वो भैया बानी, भैया समझाने चाहतनी, भैया ये CCTV कैमरा के मतलब कॉन्सेप्ट जोन बा ये कहाँ से आई है? देखिए कॉन्सेप्ट तो पहले सबसे पहले आई है कोविड के वजह से कि बहुत लोग चाहेला पूजा देखे के लेकिन भीड़ भाड़ देख के नहीं आवे के चाहत, तो कम से कम घरे बैठ के मोबाइल पर पूजा देख सकत, इससे भीड़ भी नियंत्रित हुई पहल का कोजी बा। दूसरा कोजी बा कि गांव के लोग, परिवार के लोग देश के अन्य कोना में बा, विदेश में बा, तो उ लोग भी चाहेला जे हमनी के पूजा देखे स, तो पहले मोबाइल के थ्रू देखत रहल लोग, साफ ना चली, तो पिछले साल से हमरा इ कंसेप्ट में आई कि एक ऐसा व्यवस्था कैल जाए कि लाइव देश विदेश लोग देखत रहे, प्रयास कैनी हाँ। संजोग से हमरा यही जा सुल्तानपुर में एगो वीडियोग्राफर बने पिंटू, उनका लगे सारी व्यवस्था मिल गई है। अच्छा, तो कनी के लगाओ देखल जाओ, तो प्रयास कैल जाता, अगर अच्छा लगे सबको तो अगला साल और भी बेहतर कैल जी।
ठीक है, 24 घंटा चलत हो? 24 घंटा मैंने विशेष पूजा के समय, विशेष पूजा जब जब पूजा होता उस समय एक स्टार्ट कर जाता, आ शाम के समय तो लगातार 4 बजे से शुरू हो जाई, आ 4 बजे से शुरू हो जाई। कई गो कैमरा लागल बटे? करीब 4 गो कैमरा लागल, पंडाल के अंदर 2 गो, पंडाल के बाहर 2 गो, तो 4 गो कैमरा लागल। अच्छा, मतलब कि माता के दर्शन हुई, दर्शक लोग भी रही, जे भी लोग भक्त लोग आइल बा सबके लोग देखी? सब सबको दिए, दर्शक के भी लोग देखी, पंडित जी लोग कौन मंत्र के उच्चारण कर रहल बा, किंग पूजा करा रहल बा, सारा कुछ देख सकता, तो सारी व्यवस्था बटे, बाहर भी बटे। क्या बाबू, अब हम कहेंगे कोरोना खत्म होने वाला है? कोरोना खत्म होने वाला है? तो शाम के मेला लग रहा है यहाँ पे, मेला लग रहा है ना? हाँ। पूजा का लोग आते हैं? दीजिएगा तो प्रसाद बांटते हैं आप? हाँ। अच्छा चलिए, पूजा पंडाल में बानी और यहाँ पर सिन्हा जी के परिवार के लोग बानी लोग, अच्छा 3 आदमी ये बोल रहे हैं पहले भी और अभी भी। रउआ बताइए, पूजा जन हो रहा रउआ कितना दिन से देखा था? नहीं, हम तो जब से होश संभल नहीं तब से ही देखा था नहीं। हाँ। शादी ब्याह हो गए, चल गए नहीं अपना घर, ओकरा बाद से आए नहीं हर साल पूजा में। अच्छा, रउआ जाके लड़की? हाँ, मैं जाके लड़की हैं। हाँ, तो हम हमेशा पूजा में आई ले, हर साल, हर साल माँ के दरबार में सेवा कर, अच्छा लगेला जी जी, बहुत अच्छा लगेला, माँ के भव्य बहुत सुंदर बाटे यहाँ के, यहाँ बहुत अच्छा लगेला। 3 दिन हलुआ भी प्रसाद में वितरण होला और बाल भोग भी अच्छा लगेला, बहुत सुंदर लगेला यहाँ। जय माता दी। महिला लोग की कितना है जाके, मतलब आसपास के लोग जावेला? महिला लोग सैकड़ों में आ जाला लोग, सैकड़ों में महिला लोग उपस्थित होला, आरती में भी सुबह शाम उपस्थित होने लोग, बहुत अच्छा लगेला सब लोग के साथ आरती करे में। करुआ तो दिल्ली रहे नहीं है, दिल्ली में नवरात्र इतना भव्य तरीका से होला ना, लेकिन फिर भी हमनी के यही जा अच्छा लगे, हर साल हमनी के जा आ जानी सब, बहुत बहुत ही बृहद रूप से यहाँ पूजा होला, मेन यहाँ के थीम बा पूजा, पूजा पे ही सारा सब लोग के ध्यान रहेला, तो ऐसे हमनी के हर साल तन मन से आदमी उपस्थित रहेला पूजा में। जैसे रुआ तब बहू हैं ये घर के, शादी के बाद आई लोग हम देख लो कि तो बाप रे दुआरे पे इतना बड़ पूजा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ। हमार बचपन से ही रहे इच्छा कि हम शेरा वाली माता के पूजा तन मन से करें, जो कि हमार पापा कम्युनिस्ट विचार के, कम्युनिस्ट के नेता ही रहनी है। अच्छा। तो कम्युनिस्ट परिवार देवी देवता ना मानेला, लेकिन फिर भी हमरा अंदर इच्छा रहे कि हम देवी के पूजा करी भक्ति भाव से, जौन कि हमार अरमान पूरा भेल। ब्याह हो गेल उसने घर में? उसने घर में ब्याह हो गेल, हर साल हमनी के वैष्णो माता के दर्शन भी करे जानी सन। हाँ। जे कि बहुत ही अच्छा, मतलब हमार मनोकामना पूर्ण करनी देवी माता। चलिए, और भी इन्हें कुछ नौजवान साथी बने, सिन्हा जी की बेटी बड़ी है जा, जे कि दिल्ली में रह के वहाँ पढ़ाई लिखाई, ओकरा बाद भी पूजा में हर साल गाँवें आवेली और पूजा में शरीक होके माता के सेवा करेनी। रउआ बताई कि रउआ और भी जे भी राजपुर के आसपास के जौन भी लड़की लो देख रहा बकरा के, ओकरा से क्या कहें पूजा के बारे में? हम ये कहें कि जे आए जा तन मन से पूजा करे, और सबके हम ये बोलें कि जैसे सबके वो आगे लेके चलत बा, वैसे ही सबके वो लेके चले पूजा के। नया नया पीढ़ी जोन बटे बड़ा एडवांस बटे, सब आधुनिक होता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से लगाव ना रहला आधुनिक लोग के, जे गांव में एकदम ठेठ बकरा तो लगाव रहबे करेला, तो ये कितना डिफिकल्ट बटे कि मॉडर्न होके भी एकदम पूजा खाती समर्पित रही? ये तो हम अपना मई पापा के कहें, काहे कि पापा हमार बहुत पूजा करनी, तो हम उनके से सीख ले बानी कि पूजा कैसे करल जाला। और हम सबके ये कहें कि कितना भी कहीं मॉडर्न हो लेकिन पूजा सबसे पहले है और पूजा सबको करना चाहिए। रहुआ बताइए, रहुआ तो ब्याह करके दूसरे जगह से आइल बनी है जा, तो आई नहीं तो ना देखनी कहीं द्वार पर बाप रही कुली का ना भाईल भाई। हाँ हाँ, बहुत आश्चर्य है। हाँ। आखि इतना बड़ा पूजा इतना भव्य तरीके से होता है, बहुत आश्चर्य की बात अपने आप में। पूजा में अभी तो देखा था नहीं, CCTV लागल बा, लोग बड़ी दूर दूर से देख रहा बा जी, जितना भी रिश्तेदार बा सबके पासवर्ड दी लागल बा, सब लोग अपना अपना जगह देख रहा बा, सब कोई दर्शन करता माता जी के, सबके लगाओ बा ना, बेटियों को चाहे गांव के भी और भी लोग बटे जहाँ तहाँ अपन रहता टे, तो वह अपन सब लोग देखता, सबके एक अफसोस रहता रहा कि हम दर्शन ना कर पाए, दर्शन ना कर पाए, तब लाइव दर्शन करता का बोल बो बुला गिले का बोल बो कि कोरोना खत्म हो गया। हाँ, कोरोना खत्म हो गया और मत
माता जी के आने से कोरोना खत्म हो गया। जी यहाँ पर कुछ नौजवान हटा बाबू तो नहीं नौजवान साथी बनी यहाँ के सिन्हा जी के परिवार से बनी। रुआ बताई कि रुआ हर बार आओ पड़ेला ना ना हर बार नाम पड़े ऐ साल हम आइल बनी ऐ साल हमारा बड़ी आनंद आवत है जा मैंने कितनों पूजा कर ले जाओ दूसरा जगह पर आनंद तो अपना घर आला ऐजा हम आइल बनी ए गौरी साल आई रहूँ 2019 में तो ओह साल हम एकदम ठीक रहूँ एकदम मजा आई हमारा एहू साल एकदम ठीक बा वे बाकी ऐजा तनि अपन रहेला तो अच्छा लगेला बाहर उतना लगेला हर जगह पूजा दी कोनो जगह कनी मजा तो आवेला लेकिन एजा तनी गांव के लोग बात तो तनी अच्छा लगा था। मतलब दिल्ली एनसीआर में वैसे भी दशहरा थोड़ा फीका रहेला रहेला ओहू जा बढ़िया लेकिन एजा तनी अपन लोग जहाँ रहेला नू तो कहाँ कहीं पूजा कर लीन आनंद आवेला मिलजुल के आनंद आवेला। का करनी रहुआ हम वही पढ़ा था नहीं 11 क्लास में। अच्छा 11वीं में पढ़ो। हाँ अच्छा तो पढ़ाई से भी तो बड़ा मुश्किल बटी 10 दिन 12 दिन के समय निकालल। हाँ होते बा ऑनलाइन बात सब होते बा ऑनलाइन नहीं बहुत बढ़िया बाकी ऑनलाइन क्लासेस आ गया से मतलब बेरा छुट्टी पर जाई तभी बहुत ज़्यादा। रुआ बताई रुआ का करें नहीं हम 11th बोलते नहीं कॉलेज फर्स्ट ईयर में बनी। अच्छा कॉलेज में बनी। हाँ वहाँ से बड़ा आई रुआ। हाँ 2 साल। अच्छा तो रुआ मतलब पहला बार आई बनी एक पहले हमेशा रोज हर साल आई बनी हमेशा। हाँ हर साल। अच्छा और हर साल नया नया चीज़ देखनी हर साल मतलब पूजा करनी हमेशा और बस ये वो है कि मतलब मैया जी हर साल बुलाते रहे और हर साल हम ऐसे ही आते रहे पूजा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पर आयोजनकर्ता में से मुख्य बानी अनिल सिन्हा जी यहाँ से हम बातचीत करते नहीं अभी नवरात्र के आँख खुल चुकल बा माता आ चुकल बनी आज अष्टमी हटे सुनल बनी कि वो भंडारा भी बड़ा ज़बरदस्त होला रुआ यहाँ। हाँ हमने के यहाँ दशहरा के दिन बहुत बड़ा भंडारा होला जना में पूड़ी सब्जी हलवा जितना भी लोग आ जाए मात्रा के कोनो मात्रा सीमित नहीं के जितना भी लोग आई चाहे 2000 आए 4000 आए सबका के हमने के बैठा के पूड़ी सब्जी हलवा खिलाई लेसन और सब आदमी प्रसन्न होकर जाला पूरा गाँव के लोग आई आके श्रद्धा से बैठ के खाला ही ना कि वो आके परेशान होके आओ ताकि तनि हमरो के दे दी उस श्रद्धा से आई आई अपन बैठी खाई अपना घर जाए। जैसे कि हम देखनी हो कि जो देवलिया पर चिपकावल बाई सीसीटीवी कैमरा लागल बटे और लोग कहीं से भी देख ले रहे परिवार के एक आदमी फ़ोन कर रहे छत्तीसगढ़ से तो वहाँ कहते रहें कि लाइव दिखावे के कोनो व्यवस्था ना लाग दी हमरा से कहते रहें वहाँ के ये तो ये साल नया पहल कर गई ताकि बहुत लोग ऐसा समिति के सदस्य बा जो ने जैसे बाहर भी रहेला पूजा के मौका पर ना आ सकेला तो ओकरा खातिर व्यवस्था कर गई कि कहीं भी बैठ के देख सके आ हमूर वैसे गुजारिश करे कोनो व्यवस्था हो गए तो लाइव के अरेंजमेंट करे कि लोग देखो और ही आ देख के सबका आस्था श्रद्धा बढ़ो पूजा में। बिल्कुल चलिए हम लोग दिखा दिए जब मेला के भी व्यवस्था बटे जब मेला भी लागल बटे और ये देखिए ऐजा दुकान बड़ी सो है ना आगे भी दुकान बड़ी सो जिलेबी वगैरह के उन्हें रास्ता कटल बनी दुकान बड़ी सो तब जी बेचाता अब बेचाते बा है कितना भीड़ तो होत होई साझे सवेरे प्रसादी बेचो तो नहीं प्रसादी बेचो तो नहीं खाली। अच्छा जिलेबी छानते हैं देखिए ना जिलेबी समोसा लड्डू लैकन के खिलौना ये सारा चीज़ बा मतलब छोटा सा एगो मेला भी ऐजा बाटे तो राजपुर हो अगर वो आसपास के बानी तो आके जा माता के दर्शन करी और दर्शन करें तो सुकून ज़रूर मिली।